उत्साहो बलवान आर्य नास्ति उत्साह परम बलम स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। अर्थात एक व्यक्ति के लिए उसके उत्साह से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर व्यक्ति के अंदर उत्साह है तो वो पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को भी। अब से कुछ दिनों के अंदर जो मंदिर है खुल के तैयार हो जाएगा और आप भक्त आराम से दर्शन कर पाएंगे। आप सभी भक्तों को राम मंदिर खुलने की ढेरों बधाइयां मैं पहले ही दे रहा हूँ। इतना मैं वापस आऊँगा श्रीलंका से ना, इतना ये मंदिर आप भक्तों के लिए खुल चुका होगा। फिर साथ में भव्य तरीके से दर्शन करेंगे प्रभु श्री राम के इस भव्य से मंदिर में। और इस मंदिर की जो राह है, हर एक भक्त देख रहा था, हर एक इंसान देख रहा था, इस पूरे विश्व में, भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति देख रहा था कि कब प्रभु श्री राम का मंदिर एक बार फिर से भक्तों के लिए खुल पाएगा और हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की अद्भुत यात्रा करने के लिए 1 दिसंबर को मैं निकल पड़ता हूँ, जिसमें 45 दिन का समय मैं मानकर चल रहा हूँ। पर इस मैप को अगर देखूं तो लगता है जैसे साल भर भी कम पड़ जाएगा। सबसे पहले हम जाने वाले हैं अयोध्या, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि, जिसके लिए मैं अपने घर से यानी कि दिल्ली से निकल जाता हूँ। दिल्ली से निकलने के बाद में मैं ट्रेन ले लेता हूँ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जाने के लिए, जिसमें लगभग 10 घंटे का सफर करने वाला हूँ और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या ये ट्रेन मुझे पहुँचा देगी। वैसे तो पहले भी मैं कई बार अयोध्या गया हूँ, परंतु इस बार मन के अंदर एक अलग ही हलचल है, जैसे कि मानो कुछ नया हो रहा है। और आखिरकार सुबह सुबह मैं पहुँच जाता हूँ अयोध्या जंक्शन, जो कि प्रभु श्री राम की नगरी में स्थित एक स्टेशन है। यहाँ पर आने के बाद में प्रभु श्री राम का पवित्र मंदिर मात्र कुछ मिनटों की दूरी पर ही बन रहा है, जहाँ पर आने वाले समय में आप सभी भक्तों को दर्शन होने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। मेरा नाम है मुकुल भारद्वाज, आप देख रहे हैं ट्रैवलर बास्केट। फिलहाल मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ, ये पावन धरती कहलाती है अयोध्या। यहाँ पर ना सिर्फ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, उन्होंने अपने माता पिता के संग यहाँ कुछ वक्त बिताया, फिर 14 साल के वनवास को काटने के लिए निकल पड़े। मेरी जो एक इच्छा थी, मेरा एक जो सपना था, आज वो आखिरकार पूरा होने को चला है। जो मेरा सपना था वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि उसमें आपके प्यार और सपोर्ट की बेहद ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ेगी। असल में मेरा एक सपना था कि मैं उन स्थानों पर जाऊँ जहाँ पर प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के दौरान रहे थे। ये काफ़ी बड़ा सपना था मेरे लिए, और कभी कभी तो सपना अगर मैं देखता भी था तो ऐसा लगता था कि मानो विफल ना हो जाऊँ, क्योंकि इसके लिए मुझे 3 देशों की पूरी यात्रा करनी पड़ती। पहला देश श्रीलंका, दूसरा नेपाल और तीसरा हमारा सबसे प्यारा देश भारत आ जाता है। भारत में भी लगभग ये यात्रा 60-70% होती है। इसका कुछ हिस्सा नेपाल में और कुछ हिस्सा आपका श्रीलंका में आता है। ये पूरी यात्रा करने के लिए ना सिर्फ समय की आवश्यकता थी, साथ ही सामर्थ्य की भी आवश्यकता थी। मेरा सामर्थ्य तो आप सभी लोगों से है, इसलिए हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती रहेगी कि ये सीरीज़ मैं अब शुरू करने के लिए जा रहा हूँ अयोध्या से। पहला जो मेरा अध्याय होगा वो शूट होने वाला है अयोध्या में ही, और अयोध्या से हम शुरुआत करेंगे जहाँ से प्रभु श्री राम की नगरी में प्रभु श्री राम का जन्म होता है, और उसके बाद में पूरी रामायण की शुरुआत हो जाती है। आप लोगों से विनती रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और सभी लोगों को वो अवसर दें कि वो घर बैठे ही रामायण को महसूस कर सके, उन स्थानों पर जा सके जहाँ पर प्रभु श्री राम गए थे अपने 14 साल के वनवास के दौरान। मैं आशा करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ, उन स्थानों पर आपको ले जा पाऊँ जहाँ पर प्रभु श्री राम गए थे। मैं नहीं जानता कि मैं अभी विफल रहूँगा या फिर इसमें सफल हो जाऊँगा, पर अंततः यही मेरा सपना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थान, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर मैं जा पाऊँ और प्रभु श्री राम से आप भक्तों तक जोड़ पाऊँ। जय सिया राम। त्रेता युग में अयोध्या के राजा श्री राजा दशरथ जी होते हैं, जिनकी 3 रानियां होती हैं, परंतु किसी भी रानी से उन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा, रानी केकई। जिसके बाद राजा दशरथ जी संतान की प्राप्ति के लिए श्रृंग ऋषि जी को बुलाते हैं, जिसके बाद श्रृंग ऋषि जी राजा दशरथ जी को एक सुझाव देते हैं कि आपको एक पुत्रोत्तरी यज्ञ कराना चाहिए,
जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति हो सके। सिंह ऋषि जी के सुझाव पर राजा दशरथ जी भी ठीक वैसा ही करते हैं और हवन यज्ञ की तैयारी शुरू कर देते हैं। हवन यज्ञ समाप्ति के बाद तीनों ही रानी को फल स्वरूप प्रसाद स्वरूप सिंह ऋषि जी खीर देते हैं खाने के लिए, जिसके बाद तीनों ही रानी को संतान की प्राप्ति हो जाती है और कहीं ना कहीं अयोध्या में एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है, खुशहाली का माहौल होता है। पुत्र प्राप्ति के बाद अयोध्या में जैसे दिवाली मनाई जाती है, वहीं रानी कौशल्या को राम, सुमित्रा को लक्ष्मण, शत्रुघ्न, केकई को भरत पुत्र स्वरूप में प्राप्त होते हैं। वहीं राजा दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को अध्ययन हेतु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम भेजा। उनके लिए राजमहल में भी शिक्षा की व्यवस्था वैसे तो हो सकती थी, किंतु आश्रम में इसलिए उन्हें भेजा गया ताकि एक अनुशासन के भीतर रहकर वो शिक्षा प्राप्त कर सके और शिक्षा के वास्तविक अर्थ को आत्मसात कर सकें। वहीं कलयुग की बात करें तो कलयुग में भी आपको सभी पद चिन्ह देखने के लिए मिल जाते हैं, जहां पर प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ रहा करते थे, राजा दशरथ जी का महल था, जहां पर सीता माता को केकई ने भी एक महल तोहफे के तौर पर दिया था। तो देख लेते हैं कैसी दिखती है आज की हमारी अयोध्या। तो फिलहाल मैं भी जिस घाट पर हूँ, ये आप देख रहे हैं सरयू नदी का घाट है, जहाँ की मान्यता बहुत मानी जाती है। माना जाता है कि जब भी आप अयोध्या दर्शन करने के लिए आते हैं तो प्रभु श्री राम के दर्शन करने से पहले दर्शन होते हैं बजरंगबली के, हनुमानगढ़ी के, और उनके भी दर्शन करने से पहले आपको यहाँ पर आना होता है। यहाँ पर आने के बाद में आप स्नान करते हैं और फिर जाकर आप हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं, यानी कि बजरंगबली के दर्शन करते हैं, और उसके बाद कहीं दर्शन होते हैं प्रभु श्री राम के, रामलला के। और पुरानी कथाओं की माने तो, पुराणों की माने तो माना जाता है कि इसी नदी में प्रभु श्री राम आकर स्नान किया करते थे, सीता माता भी यहाँ पर स्नान किया करते थी, इसलिए यहाँ की मान्यता बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है। और माना जाता है कि जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं उनको अवश्य इसमें स्नान करना चाहिए। शिवाय परमेश्वराय शशि शेखराय नमः। भाई इस घाट पर स्नान करने के बाद में जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है ना, उसको तो शब्दों में बता पाना बड़ा ही मुश्किल है। ये बात तो सत्य है कि जब प्रभु श्री राम यहाँ पर स्नान किया करते होंगे तो क्या ही व्याकुलता, क्या ही यहाँ का मतलब नज़ारा रहता होगा ना, ये तो भाई सोच ही सकते हैं हम, सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है, इसको तो शायद शब्दों में हम क्या कोई भी नहीं बता पाएगा। तो चलते हैं, अभी स्नान कर लिया है तो अभी हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए चलते हैं और अयोध्या साथ में घूमते हैं। जय श्री राम। शिवाय अनगेश्वराय नागेश्वराय नमः। शंकराय भूतेश्वराय शिव। अभी जिस स्थान पर पहुंचा हूँ, ये राजा दशरथ जी का महल है, तो चलते हैं यहाँ पर राजा दशरथ जी के महल में दर्शन करने के लिए। अयोध्या के बंदर भाई बहुत बढ़िया है, देखो कितने शांति से बैठ के ये कथा सुन रहा है, यहाँ पे कथा चल रही है और ये हमारे बजरंगबली जी यहाँ पर बैठ के कथा सुन रहे हैं, कितने बढ़िया बंदर हैं। और हमारे कृष्ण जन्मभूमि पे चले जाओ, आप कहीं चले जाओ मथुरा वृंदावन में, ये हाल कर देते हैं भाई यात्रियों का कि हमें बिना चश्मे के घूमना पड़ता है। जय श्री राम, क्या बात है। ये देखिए राजा दशरथ महल कितना प्यारा लग रहा है, दशरथ जी का प्यारा महल। चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। जय सीताराम। गोपाय शिव सुंदरेशा। ये देखिए भाई सोने जैसा चमक रहा है ये महल। महल की खूबसूरती देखिए, सुंदरता देखिए, शब्दों में बयां कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर आप राम दरबार के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं, खुले दर्शन हो रहे हैं। जय सीताराम। ये देखिए जी आप, दशरथ जी को महल है, यहाँ चारों भाइयों ने जन्म लिया है, यहाँ चारों भैया खिलत रहे हैं। ये राजा दशरथ जी का महल हुआ, 1760 में बनूराव है।
ऐसा ये मानी जाती है कि प्रभु श्री राम पैदा इसी स्थान पर हुए थे। प्रभु श्री राम के पिताजी यानी कि राजा दशरथ जी अपने पूरे परिवार समेत यहीं पर ही रहा करते थे। जो प्रभु श्री राम का बचपन है यहीं पर बीता था, तो इसलिए इस स्थान की मान्यता बहुत ज़्यादा है। हालांकि पंडित जी ने मुझे स्पष्ट रूप से बताया लगभग 1764 के आसपास में ये महल रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, क्योंकि जो अक्रांता थे तो उन्होंने इस महल को तोड़ा और इस जैसे और भी हमारे धार्मिक स्थल थे जिनको क्षतिग्रस्त किया गया। पर सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक धारा है, एक ऐसी जलधारा है जिसका ना कोई अंत है और ना ही कोई छोर है। तो इसीलिए अनंत एक ऐसी चीज़ जो कि अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। आप उसे कितना भी क्षतिग्रस्त करें, कितना भी ध्वस्त करें, वो तो और उभर के निकलता है। जैसे आप किसी जलधारा को रोकने की कोशिश करें तो एक हद तक तो वो रुकती है, उसके बाद जब उसका प्रभाव बढ़ने लगता है तो फिर उसके बाद वो और तेज निखर के आती है। तो ठीक वैसे ही हमारा धर्म है और हमें इस पे गर्व है, नाज है, इसलिए हम बोलते हैं जय शिया राम। तो यहाँ पर आइए, इस स्थान पर आप दर्शन कीजिए, आपकी जो अनुभूति यहाँ पर होगी आने के बाद में वो शायद आप खुद शब्दों से नहीं बता पाएंगे, पर आपके जो चेहरे पर जो मुस्कान होगी, जो भाव होंगे, वो बताने के लिए काफ़ी होंगे कि आपको यहाँ पर आने के बाद में बहुत संतुष्टि मिली है। तो मैं तो प्रभु श्री राम के आश्रित होने के बाद में कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ। शिवाय अनगेश्वराय नागेश्वराय नमः। तो अब यहाँ पे देखिए, अयोध्या में मैंने लिया है ये गुजिया और ये तो समोसे, यहाँ पे मतलब काफ़ी फेमस है। ये देख सकते हैं, एक दुकान है यहाँ पे हलवाई की बढ़िया, और मैंने यहाँ के समोसे टेस्ट किए हैं, सच में भाई लाजवाब है, टेस्ट में बहुत बढ़िया है। ये हनुमानगढ़ी वो स्थान आ चुका है इस समय जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, जहाँ पर माना जाता है बजरंगबली के दर्शन सबसे पहले करने चाहिए। और ये उस समय का अयोध्या का सबसे ऊंचा टीले वाला स्थान हुआ करता था, और यहाँ पर बजरंगबली बैठ के प्रभु श्री राम की कह सकते हैं देख रेख किया करते थे, उनकी सेवा में रहा करते थे। इसलिए इस स्थान को माना जाता है कि सबसे पहले आप यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए, उसके बाद प्रभु श्री राम के दर्शन कीजिए। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली। भैया देखिए जी, आज कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर बजरंगबली के दर्शन करने के लिए, समस्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये भीड़ है भक्त जनों की अयोध्या में। भवाय गुण श्याम भवाय शिव तांडवाय नमः। भाई हमारे टीका लग चुका है पूरा और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो चुके हैं। अभी हमारे टीका लग गया है और हनुमानगढ़ी में अब हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। एक बार जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई सब लोगों को यहाँ पर देखो, प्रभु श्री राम के बल पर रोजगार मिल जाता है, यही सबसे बड़ी बात है। धर्म के नाम पर आप दो रुपये कमा लें, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। अरे मंदिर में दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी में, और भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है भक्तों की। जय श्री राम के नारे लगते हुए और सब भक्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है आज भक्तों की, और यहाँ पर हमारे बजरंगबली उपस्थित हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जय श्री राम। और ये वो स्थान है जहाँ पर माना जाता है कि प्रभु श्री राम के सबसे ज़्यादा चहीते हमारे बजरंगबली रहा करते थे और प्रभु श्री राम की सेवा में हमेशा उपस्थित रहते थे। यहाँ से ही प्रभु श्री राम की देखभाल किया करते थे, अयोध्या की देखभाल किया करते थे। हनुमानगढ़ी माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ स्वयं वास करते हैं। हनुमानगढ़ी का महत्व रामायण में भी है, राम जी जब जाते साकेत धाम को तो हनुमान जी को जो यहाँ पे बैठा करके, यहाँ के रक्षक स्वरूप में बैठा करके हनुमान जी को साकेत धाम को गए, और जो कि राजा स्वरूप में हनुमान जी विराजमान है, पीछे राम दरबार सब खड़े हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हनुमान जी खुद वास करते हैं, इसका जो है रामायण में उल्लेख है इसका। तो हनुमानगढ़ी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये एकदम सत्य घटना पे आधारित है, पंडित जी ने भी बताया और ये मैंने पहले भी सुनी है बात।
और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। पंडित जी ने बताया कि लगभग 10 से 15 साल पहले की बात है, आतंकवादियों ने यहाँ पर एक पानी की टंकी में बम रख दिया था, जिसके बाद पुलिस को उसकी सूचना मिली कि कहीं तो बम है। आतंकवादी को जब पकड़ा गया, बट उसने नहीं बताया कि भाई यहाँ पर बम मैंने कहाँ छुपाया हुआ है। तो जब पुलिस आखिरकार यहाँ पर पहुँची, हनुमानगढ़ी पहुँची, और उनको वो जगह भी मिल गई जहाँ पर बम रखा हुआ था, तो उसमें जो टाइमर सेट था उसमें लगभग 2 मिनट बची थी फटने में। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो उन्हें क्या दिखता है कि एक बंदर उस बम के तार को चबा रहा था, और उसने बंदर ने वही तार चबाया जो कि असल में काटना चाहिए था अगर बम को डिफ्यूज़ करना है तो। और उस समय सब लोग एकदम भावुक हो उठे, सबको यही लगा कि प्रभु श्री राम स्वयं बजरंगबली के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बजरंगबली स्वयं उस तार को काटे हैं तब जाकर भक्तों की रक्षा करी है। और उसके बाद भक्तों के लिए यहाँ जो स्थान आप देख रहे हैं इसके लिए भाव और भी ज़्यादा डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। जय श्री राम। इस समय आप सभी भक्त जो दर्शन कर पा रहे हैं ये हनुमान जी के पवित्र दर्शन है। देखिए बजरंगबली यहाँ पर विराजमान है, और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम सीता माता संगम अयोध्या में रहते थे, तो यहाँ पर हनुमान जी रहा करते थे, इसलिए जगह को हनुमानगढ़ी कहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर निर्माण है वो चल रहा है। ठीक सामने आप देखिए कितना प्यारा निर्माण चल रहा है, और यहाँ पर चारों तरफ देखेंगे ना हमारे बजरंगबली मौजूद हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है अभी भी ये लोग देख रेख कर रहे हैं। ये देखिए देख रहे हो कितनी देख रेख कर रहे हैं, पूरे इस स्थान की पूरी निगरानी चल रही है। और यहाँ पर प्रभु श्री राम का मंदिर बस बन के तैयार है, अब से कुछ दिनों के अंदर जो मंदिर है खुल के तैयार हो जाएगा और आप भक्त आराम से दर्शन कर पाएंगे। आप सभी भक्तों को राम मंदिर खुलने की ढेरों बधाइयाँ मैं पहले ही दे रहा हूँ। इतना मैं वापस आऊँगा श्रीलंका से ना, इतना ये मंदिर आप भक्तों के लिए खुल चुका होगा, फिर साथ में भव्य तरीके से दर्शन करेंगे प्रभु श्री राम के इस भव्य से मंदिर में। और इस मंदिर की जो राह है हर एक भक्त देख रहा था, हर एक इंसान देख रहा था, इस पूरे विश्व में भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति देख रहा था कि कब प्रभु श्री राम का मंदिर एक बार फिर से भक्तों के लिए खुल पाएगा और हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। जय श्री राम। अभी प्रभु श्री राम के दर्शन हो चुके हैं मेरे राम मंदिर में, अयोध्या राम मंदिर सच में बहुत ही भव्य निर्माण के साथ आगे बढ़ रहा है। और पूरी पूरी उम्मीद यही है कि भाई जब तक मैं श्रीलंका से वापस आऊँगा प्रभु श्री राम के दर्शन भी होंगे और उनका मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा, फिर साथ में चलेंगे सभी दर्शन करने के लिए। जय जय श्री राम। प्रभु श्री राम के जन्म स्थान को देखने के बाद में, ये देखने के बाद में कहाँ पर वो रहा करते थे, कैसा था उनका बचपन, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सीता माता का जन्म कहाँ पर हुआ था, जिसके लिए हमें जाना होगा अयोध्या से जनकपुर जो कि आज के नेपाल में स्थित है। माना जाता है जनकपुर में ही सीता माता का जन्म हुआ था। जनकपुर जाने के लिए मैं चयन करता हूँ फ्लाइट का, जिसके माध्यम से मैं काफी जल्दी कम समय में ही जनकपुर पहुँच सकता हूँ, नेपाल पहुँच सकता हूँ और अपना ज्यादा समय व्यतीत कर सकता हूँ उस स्थान पर जहाँ पर सीता माता का जन्म हुआ था, जहाँ पर विवाह स्थली मानी जाती है सीता माता की। तो मैं फाइनली पहुँच जाता हूँ नेपाल फ्लाइट के माध्यम से। जैसे मैं नेपाल लैंड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे झमाझम बारिश देखने को मिलती है, जैसे मानो भगवान मेरा ही इंतजार कर रहा हो और देख रहा हो कि कब मैं यहाँ पर लैंड करूँ और कब यहाँ पर बारिश हो। हालांकि कुछ देर बाद भगवान को मुझ पर तरस आता है और मौसम भी साफ हो जाता है और आखिरकार मैं अब काठमांडू से जनकपुर की ओर निकल जाता हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। जय श्री राम। काठमांडू से जनकपुर के लिए मैंने अपनी टिकट करा ली है। जो पशुपतिनाथ मंदिर है यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, इसी के पास में अपोजिट में बनी है दुकानें, ये सब जो दुकानें हैं इन सब में यहाँ पे आपको ट्रैवल एजेंट्स मिल जाते हैं जहाँ से आप बुक कर सकते हैं। तो 1000 रुपये में थोड़ा नेगोशिएट करके मुझे मिली है, आप थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं। 1000 रुपये नेपाली हैं तो इंडियन में समथिंग ये 700 रुपये के अराउंड, 650-700 रुपये के अराउंड होने चाहिए इफ़ आई एम राइट। तो अभी देखते हैं सर हमें लेके जा रहे हैं गाड़ी तक।
काठमांडू से जनकपुर आने में लगभग मेरा पूरा दिन ही निकल जाता है। जब मैं रात को जनकपुर पहुंचता हूं तो यहां पर हालात ऐसे बन जाते हैं कि होटल भी नहीं मिल पा रहा था, पर भगवान के आशीर्वाद से कुछ देर बाद होटल मिल जाता है और फिर मैं भरपेट भोजन भी कर लेता हूं, क्योंकि पूरे दिन की थकावट के साथ साथ मैंने खाना तक नहीं खाया था। और अगले दिन की सुबह जब मैं उठता हूं तो मैं पहुंच जाता हूं उस स्थान के पास में जहां पर सीता माता का जन्म स्थल माना जाता है। मैं पहुंच चुका हूं जानकी महल, जहां पर माता सीता रहा करती थी। यहां उनका मायका था और यहीं पर पास ही में मंडप है जहां पर उनकी शादी या फिर विवाह जो हुआ था प्रभु श्री राम से हुआ था। तो ये स्थल के मायने बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप रामायण की बात करें तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में आपको पता लगता है कि कैसे सीता माता और जो उनके पिता थे, उनका जो पूरा साम्राज्य था, वो कैसे रहा करता था, कैसे वो लोग अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। जानकी महल की कहानी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। माना जाता है 1910 AD में टीकमगढ़ की रानी श्री विश्वभानु जी ने इस महल को बनाया था, इसका निर्माण कराया था। उसके बाद और भी कुछ राजा या रानी रहे जिन्होंने राज किया, उन्होंने इस महल का पूर्ण निर्माण कराया, और इस महल को नौलखा महल के नाम से भी जाना जाता है। उसका कारण यह है कि इस महल को बनाने में उस समय लगभग 9 लाख रुपए का खर्चा आया था। आप सोच सकते हैं कि उस समय 1910 AD में अगर 9 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है तो आज के समय वो खर्चा कितना ज़्यादा होगा। तो इसलिए इस महल की महत्व बहुत ज़्यादा है और सीता माता को ये महल पूरी तरीके से समर्पित है। जनकपुर शहर को दरअसल तालाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर 52 तालाबें हैं, यानी कि 52 पौंड हैं। यहाँ पर माना जाता है जब सीता माता का विवाह हो रहा था और जब बारात लेकर प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे, सभी देवतागण और ऋषि मुनि यहाँ पर मौजूद थे। तो जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी साधु संत थे, सभी ने उन तालाब में ही स्नान किया था। उसके बाद ही जो विवाह है वो शुरू हुआ था प्रभु श्री राम का। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पर 52 पौंड इस छोटे से क्षेत्र में है। हालांकि एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो जनकपुर है उसका एरिया तो लगभग 6,500-7,000 किलोमीटर में ही फैला हुआ है, बट यहाँ पर लगभग नेपाल की 6% आबादी बसी हुई है, जिसमें अलग अलग तरीके के धर्म यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होकर ही रहते हैं। और ये देख सकते हैं माता जानकी का क्या प्यारा सा महल यहाँ पर बना हुआ है। तो जानकी मंदिर के पास है ये हंसराज स्वीट शॉप, तो यहाँ से मैंने लिया है ये भी समोसा चाट, और यहाँ पर है मेरी लस्सी।
ये जनक जी का दरबार है। जब शिरोध्वज और जनक जी महाराज दो भाई थे, जब मिथिला में अकाल पड़ा तो यहाँ से 60 किलोमीटर सीतामढ़ी पुरुरा में हल जुटाए, वहाँ से हरेश्वर नाथ महादेव भी हैं, वहीं से हल जोता गया तो पुरुरा बस्ती से सीता जी भूमि से प्रकट हुई, मढ़ी में रखा गया, मढ़ी माने घर होते, वहाँ से यहाँ लाए जब राजधानी में तो सीता नाम पर छठिया रात की तो सीतामढ़ी हो गया पुरुरा धाम हरेश्वर नाथ महादेव। और यहाँ से 16 किलोमीटर धनुषा धाम, जब सीता जी 11 वर्ष का हुआ तो धनुष उठा प्रतिज्ञा किया जनक जी जो धनुष तोड़ेगा सीता से विवाह होगा और बाकी वाहन का उसी गांव में, तो उधर 4 मिल गया इधर 4 मिल गया तो विवाह शादी दोनों भाई का हुआ। तो रामायण की पूरे ही अध्याय में आप सभी को जुड़ना है, और जब मैंने पंडित जी को बताया कि मैं रामायण के कण कण को जानना चाहता हूँ, दर्शकों तक पहुँचाना चाहता हूँ और आज की युवा पीढ़ी भी जान पाएगी, तो पंडित जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, साथ में माला और प्रसाद भी दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत तृप्ति हुई, और ये जानकर ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि जो महल है लगभग 1920 में बना था, और यहाँ पर आज भी देखिए कितने भव्य तरीके से जो महल है वो खड़ा है और भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। माता जानकी के मंदिर में रात के समय का अनुभव बहुत ही प्यारा है, और यहाँ पर आने के बाद में सच में एक अलग ही मन को एहसास हो रहा है, अलग ही तृप्ति मन को हो रही है, और जो महल बना है सीता माता का बहुत ही प्यारा बना है। सच में लगता है कि यहाँ पर कोई महारानी रहा करती होंगी, क्योंकि हमारी सीता माता ही थी। तो सभी भाइयों को जय श्री राम, और ऐसे ही हम सभी जुड़ेंगे, पूरे सभी अध्याय देखेंगे रामायण के, देखेंगे कहाँ कहाँ रामायण में क्या चीज़ घटित हुई थी, किस तरीके से रामायण को हम समझ सकते हैं, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। जय श्री राम।